मैं झूठ बोलना चाहता नहीं, तो आई हैव नो आइडिया। मैं तो ही वेलकम बैक गाइस, वेलकम करता हूँ हमारे एक और वीडियो में। तो गाइस आज फिर मैं कम्युनिटी के बहुत सारे अपडेट और स्टोरी को यार कवर करने वाला हूँ, इसलिए आप लोग ये वाली वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना। पहले स्टोरी देसी गेमर अमित भाई के बारे में है। अमित भाई के लाइव स्ट्रीम पे बहुत सारे लोग बार बार यही पूछ रहा था कि अमित भाई फ्री फायर इंडिया कब आएगा। अमित भाई इस पे क्या रिप्लाई दिया आप लोग देख ही सकते। आर पांडे जी भाई थैंक यू सो मच फॉर द 1000 रुपीस सुपर चैट। भाई फ्री फायर इंडिया कब आएगा? ब्रो फ्री फायर इंडिया आने का कोई आसार नहीं है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। जितने भी लाइक अभी ये न्यूज स्प्रेड हो रहे हैं आई डोंट बिलीव, मैं खुद बिलीव नहीं करता। मैं तुम लोगों को बिलीव करो ना करो आई डोंट केयर, ठीक है। मैं वो क्योंकि मैं बोल बोल के पक चुका हूँ, मैं झूठ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं पिछले एक साल से अब आएगा कल आएगा परसों आएगा शूट हो रहा था, शूट हुआ भी, हम लोग भी गए थे, उसके बाद भी फिर कुछ रीजन बस कुछ कारण बस फिर से अटक गया चीज़। बैन हुआ तो बैन ही है ऑलरेडी, अनबैन तो हुआ ही नहीं है। डेट था एक तारीख था शायद से, कब था ना, दिसंबर सेप्टेम्बर 5 या कब था आई डोंट नो, भूल गया मैं, क्योंकि मैं झूठ बोलना चाहता नहीं। तो आई हैव नो आइडिया, मैं बिलीव बिल्कुल नहीं करता जब तक मुझे पता ना हो, तो मुझे पता नहीं है। फ्री फायर इंडिया आने के कोई आसार नहीं है अभी तक, तो इतने भी लोग जो कुछ भी चल रहा है आई डोंट थिंक वो क्या चल रहा है मुझे कुछ पता नहीं है एज अ पार्टनर, तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, ठीक है। मुझे पता नहीं है इनडायरेक्टली, एज अ पार्टनर मुझे 1% भी पता नहीं है ना सूट के बारे में ना फ्री फायर इंडिया के। देखो तो अगली स्टोरी बॉस गिल को लेकर है। बॉस गिल फिर से ग्लोबली नंबर 1 पे आ चुका है, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले मीना सर्वर के गिल जो कि बॉस गिल को बीट करके 1 नंबर पे चल गया था, तो इसी चीज को देख के मीना सर्वर के लोग हमारे इंडिया को बहुत ज्यादा मजाक बनाया था। और फाइनली हमारे इंडिया के बॉस गिल जो कि अभी के टाइम में ग्लोबली नंबर 1 पे है, इसको देख के वी आर गिवन ने एक रिप्लाई वीडियो बनाया, जैसे आप लोग ये वाले क्लिप को देख ही सकते। इंडिया की बॉस गिल ग्लोबल टॉप नंबर 1 पर नहीं रहती, एंड ग्लोबल टॉप नंबर 1 पर आ चुकी थी एक मीना सर्वर की गर्ल जिसका नेम था न्यू स्टार्ट्स। मीना सरोवर वाले ग्लोबल टॉप नंबर 1 पर आकर हमारी इंडिया का मजाक बनाने लगे, हमारे इंडिया के बारे में ऐसे ऐसी बातें बोलने लगे जो किसी भी इंडियन को देख के यार गुस्सा तो बहुत आएगा। लेकिन नहीं नहीं नहीं, अभी हमारे इंडिया में कुछ ऐसे दलाल यूट्यूबर है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इवन अपने इंडिया का नाम भी बदनाम कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि मीना सरोवर वालों ने हमारे इंडिया के बारे में क्या क्या बोला, मजाक बनाया, लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी कुछ ऐसे दलाल यूट्यूबर है जो मीना सरोवर को सपोर्ट कर रहे हैं एंड अपनी बॉस गिल के ऊपर फेक एलिगेशन लगा के अपनी इंडिया की बॉस गिल को बदनाम कर रहे हैं। सुधरो रे अभी तो। खैर छोड़ो, ये शायद सच में जादू की औलाद है, सच में इसके घर पे जादू आया होगा, वरना मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदुस्तानी पैसों के लिए इतना ज्यादा गिर सकता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? मैंने कहा था ना कि मीना सरोवर वाले कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हैं, और जो मैं बोलता हूँ वो हमेशा करके दिखाता हूँ। अगर ये मीना सरोवर वाले बॉस गर्ल के बारे में बोलते तो इतना कुछ बुरा नहीं लगता, लेकिन इन लोगों ने इंडिया का नाम लेके इंडिया का मजाक बनाकर बहुत ही ज्यादा गलत कर दिया। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं इनको इनकी औकात जल्दी ही दिखाऊंगा। आप में से ऑलरेडी काफी सारे लोगों ने देख लिया होगा कि अपनी इंडिया ऑलरेडी ग्लोबल टॉप नंबर 1 पर आ चुकी है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा चलो मैं दिखाता हूँ। तो ये देखो अपनी बॉस यानी कि अपनी इंडिया फाइनली ग्लोबल टॉप नंबर 1 पर आ चुकी है, और उसके नीचे है अपने मीना सर्वर की गिल्ड जिसका नेम है न्यू एक्स स्टार्ट। अगली स्टोरी अपने जेड भाई के बारे में है। जेड भाई के लाइफ पे एक बंदा ये पूछ रहा है कि अज्जू भाई अभी टाइम में फेस रिवील क्यों किया। देखिए जेड भाई इस पे क्या रिप्लाई दिया। तगड़ा था एकदम, उस मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं सही टाइम पे फेस रिवील किया। एक बात है कि मतलब फेस रिवील के बाद थोड़ा चैनल पे इफेक्ट पड़ जाता है बहुत सारा, बट अभी जिस टाइम पे उसने फेस रिवील किया ना वो कहीं ना कहीं सही टाइम था, क्योंकि अभी अपनी कम्युनिटी कहीं ना कहीं गेमिंग कम्युनिटी नीचे नीचे जा रही है पूरी, एक गेम की बात नहीं कर रहा पूरी सब कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं नीचे ऊपर थोड़ा सा कभी रेस पकड़ता है कभी फिर से डाउन हो जाता है, बट अब क्या पता इन फ्यूचर क्या हो, क्या पता पूरी गेमिंग कम्युनिटी डाउन हो जाए, है ना, परवाह ना करे ऐसा, बट कुछ भी हो सकता है। तो अच्छे टाइम पे उसने मस्त फेस रिवील कर दिया भाई एकदम दिमाग के साथ, और हाइप इतना ज्यादा बनाया था ऑलरेडी। सच्ची में मतलब 30 मिलियन के ऊपर व्यूज अगर फेस रिवील पे आ रहे तो सोचो आप लोग कितने बंदे वेट कर रहे थे भाई। तो अगली स्टोरी अपनी टोटल गेमिंग अज्जू भाई के बारे में है। अज्जू भाई की ब्रोकास्ट वाली चैनल पर जो कि 4 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, अज्जू भाई अपने इंस्टा स्टोरी पे एक पोस्ट अपलोड किया है। उस पोस्ट में अज्जू भाई बोलता है नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का होने वाला है, अगर आप लोग वो वाली अज्जू भाई के वीडियो का इंतजार करो तब तक। तो अगली स्टोरी फिर से देसी गेमर अमित भाई के बारे में है। अमित भाई के लाइव स्ट्रीम पे एक बंदा अमित भाई से ये पूछता है कि भाई जब आपके 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका था तब आपके फैमिली का रिएक्शन क्या था। अमित भाई देखिए क्या रिप्लाई दी। What was your father reaction when you became a YouTuber? Please tell me. Bro, पापा को उतना कुछ नहीं था, पापा बस इतना चाहते हैं भाई तू पैसा कमा अपना फ्यूचर देख, तुम लोग तो भाई कर ले जैसे तैसे, तुम लोग अपना देखो अच्छा काम करो, किसी का बुरा मत करना। एंड माई पेरेंट्स आर सो सपोर्टिव टू बी ऑनेस्ट, स्टार्टिंग में किसी का भी सपोर्ट नहीं करते,
मैंने खुद ही यार मैं ऐसा नहीं था ना कि मेरा ना हवा में उड़ने का भी आदत नहीं था। मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए तो किसी को बोला तक नहीं 1 लाख हो गए कसम से बोल। सिर्फ मेरा अनु भाई को पता था, उसको भी कोई एक्सेप्ट नहीं था क्योंकि 1 लाख में नॉर्मल से व्यूज आ रहा था, एक दो वीडियो वायरल हुआ था इसलिए हो गया था। मैं खुल के तब बोला जब मेरे कम से कम 4-5 लाख सब्सक्राइबर थे, और उनको पता चला जब मेरे 4-5 लाख सब्सक्राइबर के आसपास थे, और मैं जब इंडोनेशिया जाने का मुझे मौका मिला था फ्री फायर की तरफ से, थोड़ा सीरियस हुआ। मेरे चाचा ने बोला भाई गेम कंपनी बाहर ले जा रही है वो, बट हाँ 1 मिलियन के बाद मैंने खुल के बोला घर वालों की हाँ मैं ये करता हूँ, एक्चुअली ऐसा होता है, इस तरीके से पैसा आता है, ये वो अगड़म बगड़म। एंड उसके बाद हाँ 1 मिलियन के बाद घर वाले को मैंने बना दिया कि मैं भी चाहता था ना यार अपना खुद पैर में खड़ा होता हूँ, उसके बाद किसी को मेरा ऐसा आदत नहीं है कि यार 1 लाख हो गए तो मैं एकदम पार्टी करूँ, लोगों को फ्लेक्स करूँ, नहीं। मैं अभी भी इनसिक्योरिटी फील करता हूँ कभी कभी यार, किसी बात करती हूँ। यूट्यूब भाई बहुत मेंटल हैरेसमेंट करने वाला काम है, ठीक है, दिमाग खराब हो जाता है बड़े बड़े क्रिएटर का यूट्यूब में, कसम से बोल रहा हूँ। मैं कल परसों देख रहा था आशीष चंद्रानी का 1 साल से वीडियो नहीं आया, सोचो वो टाइम लगता है, कंटेंट सोचते-सोचते मंथ निकल जाते हैं। तो गाइस आज का न्यूज बस यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करना और आज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड भाई तब तक के लिए बाय बाय।